जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की 278 सीटों के नतीजे घोषित, बीजेपी को 73 पर जीत, 100 पर गुप्कार गैंग को कामयाबी, 12 पर कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की दमदार जीत पर शहनवाज हुसैन का बयान, ये कश्मीरियत विकास और मोदी की जीत है। डीडीसी चुनाव नतीजे आने के बाद बोले उपराज्यपाल, कहा कि कश्मीर में प्रोस्पेक्टिव और विकास की जीत है, 3 साल में आएंगे 30,000 करोड़ निवेश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बोले कि घाटी में जल्द होगी कश्मीरी पंडितों की वापसी। आज किसान आंदोलन का 28वां दिन, किसान दिवस मना रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान, लोगों से आज एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। बागपत में आज किसानों को संबोधित करेंगे बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह, कृषि कानून के फायदे किसानों को बताएंगे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। आज केरल विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानून पर होगी चर्चा, बिल का विरोध कर रही प्रदेश की सरकार। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का 3रा दिन, प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उपवास रखेंगे टीएस सिंहदेव। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता टिकैत का बड़ा बयान, कहा कि सरकार से 5 जनवरी के बाद बातचीत संभव है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपेंगी 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र, 24 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। किसानों के समर्थन में आज यूपी में समाजवादी करेगी प्रदर्शन, गांव में प्रदर्शन कर किसानों को पार्टी से जोड़ने की होगी कोशिश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्र कैबिनेट की बैठक, सुरक्षा और आर्थिक मामले की कमेटी की बैठक में होगी। राजनाथ सिंह ने जापानी रक्षा मंत्री नोबुआ से की फोन पर बात, चीन से मिलकर मुकाबला करने पर दोनों देश ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मनकोट में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से रार पुलिस, पुरुलिया, मालदा और मुर्शिदाबाद की सीटों पर संग्राम। आज पानी की कटौती से जूझेगी मायानगरी मुंबई, कई इलाकों में पानी सप्लाई रहेगी बाधित। दिल्ली में ब्रिटेन से हाल ही में लौटने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, अहमदाबाद में भी 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद, शार्जिल इमाम, आसिफ इकबाल और देवांगना की न्यायिक हिरासत बढ़ी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज केस वापस लेंगी केजरीवाल सरकार, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। कोलकाता के अजाडांगा में बस्ती में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा घर जलकर पूरी तरह से राख, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केरल में सबसे तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, 1 हफ्ते में मिले कोरोना के 38,000 मरीज, 190 लोगों ने गवाई अपनी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मरीज आए सामने, जबकि 25 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3,106 केस आए सामने, जबकि 75 मरीजों की हुई मौत। कोरोना का नया वायरस आया सामने आने के बाद सतर्क हुई यूपी सरकार, सीएम योगी ने पिछले 15 दिनों में विदेश से आए लोगों की कोरोना जांच करने के दिए आदेश। मुंबई के 8 अस्पतालों को बीएमसी बनाएगी वैक्सीनेशन सेंटर, सायन कपूर और बाबा साहेब अस्पताल बनेंगे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में आई कमी, कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घट करके 3 लाख हुई। अंटार्कटिका में भी पहुंचा कोरोना, की रिसर्च सेंटर के 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारत ने ओमान आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर लगाई रोक, कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते लिया फैसला। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बच्चों को ज्यादा खतरा, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया को चेताया। यूपी के महाराजगंज में 2 पक्षों में खुली संघर्ष, जमीन विवाद में दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोगों की आई गंभीर चोट। फिरोजाबाद में बेटे ने किया रिश्ते को शर्मसार, बीच सड़क पर कर दी बूढ़े पिता की पिटाई, पिता को कई गंभीर चोट लगी। यूपी के चित्रकूट में 2 महिलाओं में हुआ संघर्ष, दोनों ने लात घूसों से की एक दूसरे की पिटाई। अमरोहा में किसान 8 घंटे तक टोल प्लाजा को रखा जाम, कई किलोमीटर तक लगी रही वाहनों की कतार। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ज्ञानेन्द्र उर्फ जैनी बैंसला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक सवार 3 हमलावरों ने घर से बुलाकर मारी गोलियां। कानपुर के बिखरू कांड की एसआईटी जांच में दोषी पाए गए 11 सीओ, विकास दुबे के रिश्तेदार और गुर्गो के शस्त्र लाइसेंस बनाने का आरोप। प्याज के सही दाम नहीं मिलने से परेशान इमेज के किसान, 1 रुपए प्रति किलो में बिक रही है प्याज।
सागर में हुए सड़क हादसे में 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू बस। चाईबासा के बिलंगूर में तेज रफ्तार से दौड़ती मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई किलोमीटर तक का रोल डाउन हुई ट्रेन। बिहार में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने पर कांग्रेस ने की गठबंधन तोड़ने की चेतावनी, आरजेडी नेताओं ने हार के लिए कांग्रेस को ठहराया था जिम्मेदार। रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना की भारी मार, 2020 में 47% तक गिरी घरों की बिक्री, एनसीआर मुंबई पुणे में सबसे खराब हालत। 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, 50% से लेकर 200% तक लग सकता है जुर्माना। भारतीय क्रिकेटर युजेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे, धनश्री वर्मा संग रचाई शादी। दर्शकों के बिना फुटबॉल मैच खेलने से मैसी दुखी, बोले कि मैच में नहीं मिला मोटिवेशन। सिडनी में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना वायरस, मेलबर्न में शिफ्ट हो सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट। पहली बार डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, फिल्म डॉक्टर जी में लोगों का इलाज करते दिखेंगे खुराना। कोरोना पॉजिटिव पाई गई एक्ट्रेस रकुल प्रीत, संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। साउथ चाइना सी में फिर बढ़ा विवाद, चीन ने अमेरिका युद्धपोत को खदेड़ने का किया दावा। इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष की फिर मोर्चाबंदी, आज खैबर पख्तूनवा में विपक्ष की रैली होगी। नेपाल में कम्युनिटी पार्टी में चेयरमैन पद से हटाए गए ओली, संसद भंग करने के खिलाफ याचिका पर आज नेपाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों की पोल खोलने वाली करीमा बलूचा की कनाडा में हत्या कर दी गई। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।